इंदौर में एडवांस आयकर जमा करने वालों की सूची बनाई गई है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आयकर कार्यवाही होगी। जो एडवांस टैक्स कम जमा करते हैं और काम कर रहे हैं, 155 करोड़ टैक्स बकाया है, उन लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह बात प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने इंदौर में कही। चौहान मीडिया से रूबरू होते हुए बोले कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने वालों पर कार्यवाही होगी। 286,000 करदाता ऐसे हैं जो पिछले साल तक टैक्स दे रहे थे लेकिन इस साल टैक्स पे नहीं किया है, उन पर कार्यवाही होगी। कंपनी वालों को तो भरना अनिवार्य है। 31 मार्च तक का समय है। रिटर्न जमा नहीं करने पर छूट और क्लेम नहीं ले पाएंगे आयकर दाता। साथ ही प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने कहा कि 7,50,000 नए करदाता बनाएंगे आयकर विभाग। इसके लिए आयकर विस्तार योजना लागू की गई है जिन्हें 167 अलग अलग तरीकों से समझाया जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के नाते मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि हम लोग का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 19-20 में 27,844 करोड़ रहा और अभी तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी तक हम लोग 14,020.2 करोड़ कर प्राप्त कर चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 24,300 के आसपास आयकर असेसमेंट, जिसको कहते हैं कर निर्धारण, की केस किए और उसके मुकाबले हम लोगों ने 13,800 समथिंग का टैक्स डिमांड खड़ी की। हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष 19-20 में अभी तक 31,75,979 कर विवरणी, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, प्राप्त कर ली हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16.5 ज़्यादा है। मुझे ये बताने में भी खुशी है कि हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष 19-20 में अभी तक 3,28,910 नए करदाता जोड़ लिए हैं और इसका श्रेय मैं अपने सब भावी करदाताओं को, मेरे अफसरों को, मेरे स्टाफ को देना चाहूँगा कि हम लोग इन नए करदाताओं को जोड़ पाए। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करीब टोटल 7,00,000 के आसपास नए करदाता जोड़ पाएँ और उनको मुख्य धारा में ला सकें।